हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीप ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 के रियल नंबर्स का कुछ नया जो फॉर्मेट अभी सीबीएसई ने निकाला है, केस स्टडीज आएगा आपका, फिर एमसीक्यू आएगा एंड एसर्शन एंड रीजन वाला आएगा। ये चीज आपके नए जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। केस स्टडीज, एसर्शन, रीजन, ये सब चीज आपके अगर फंडामेंटल्स बेसिक्स आपसे क्लियर रहेंगे तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डर लगना चाहिए। सब स्टूडेंट्स को आज नए नाम आ गए तो नए डर्स भी आ लगते हैं, लेकिन जैसे हमारे मार्केट में नए नए मॉडल्स आते हैं तो कुछ उसके साथ नया मिलता है, वैसे जब हम नया नया टीचिंग सिस्टम्स ला रहे हैं, नई नई सिस्टम्स ला रहे हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नया आने वाला है। तो इस चैप्टर से बेसिस क्या है, बेसिस के लिए हम देखेंगे पहले प्राइम नंबर, जो डेफिनेशन इसमें आती है उसको हम पहले क्लियर कर लेंगे। कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर यानी कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ दो मिले। सपोज 13 के फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे? फैक्टर्स मिलेंगे 1 एंड 13, यानी कि नंबर खुद और 1, उसके अलावा अपने को और कोई फैक्टर मिलेगा नहीं। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि इसका फैक्टर 2 से ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल 78 को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 39 2 जा, अब 39 को हम और डिवाइड कर सकते हैं 13 3 जा एंड 2 जैसे था वैसे। यहां पे आपको टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए। टेबल्स आ रही है तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, ये सब जो नंबर्स है ये सब पी बाई क्यू फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि जिसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, रूट 2, रूट 3, रूट 7, इन सब की वैल्यूज मिल सकती है लेकिन कुछ डेसिमल डिजिट तक, उसके बाद उसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। सपोज पाई, पाई इज आल्सो अ इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर। ओके, ये कुछ बेसिक्स है जो हमें समझना है, याद रखना है। अगर ये बेसिक्स हमें आते तो हम इस चैप्टर के केस स्टडीज हो, एसर्शन रीजन हो या एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन एक ऐसा दिया है आपको, क्वेश्चन 1, इन अ क्लासरूम एक्टिविटी ऑन रियल नंबर, मतलब रियल नंबर की एक एक्टिविटी करवा रहा है। द स्टूडेंट्स हैव टू पिक अप अ कार्ड, हम सबको एक कार्ड पिक अप करना है, कुछ बॉक्स में कार्ड रखा होगा, ये इमेजिनरी सिचुएशन बनानी है, अपने को समझना है क्या है। उसमें कुछ कार्ड की पाइल्स रखी है और कार्ड्स पे अलग-अलग नंबर लिखे हैं। इफ इट इज नॉट अ रेशनल नंबर फॉर रेस्ट ऑफ द क्लास, मतलब उसमें जो भी नंबर निकलेगा उस नंबर के रिलेटेड एक क्वेश्चंस बनाना है, उसको बाकी क्लास को पूछना है। ऐसे 5 स्टूडेंट्स को पिकअप किया गया है, 5 स्टूडेंट्स अपने अपने कार्ड 1 by 1 पिकअप कर रहे हैं। तो पहला है सूरज, सूरज ने जब कार्ड पिकअप किया तो उसमें क्या नंबर लिखा था? रूट 8। सब उसका क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रूट 8? इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर एंड इट इज रेशनल नंबर। तो इसका आंसर अगर हमें देना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? नेचुरल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। अगर ये बेसिक्स हमें आता है तो हमें ये चीज हार्ड नहीं लगने वाली। सो हमें पता है रूट 8 कौन सा है, रूट 8 यानी हम कैसे लिख सकते हैं उसको? रूट 8 इज इक्वल टू रूट 4 इंटू 2, 4 2 8 होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, जब वो बाहर निकलेगा तो
टू हो जाएगा टू रूट टू। अब रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर का किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो वो इरेशनल नंबर ही रहता है, यानी कि रूट एट क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। सो इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर इज बी। बस ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने माइंड में करना है। बोर्ड में आपको बी के ऊपर राउंड करना है, बोर्ड में राउंड करते वक्त याद रखना आपका ओएमआर शीट में चार गोले रहेंगे, जैसे इसमें लिखा होगा ए बी सी एंड डी। आप जब इसको राउंड करते हो तो पूरा फिलअप करना है उस गोले को जो सही आंसर है, बराबर, उसको आधा अधूरा मत भरना। दूसरा, उसको प्रॉपर फील करते हो, उसके अलावा किसी और को टच नहीं करना है। आंसर देते हो ध्यान रखना है जो आंसर दे रहे हो वो श्योर हो तभी भरो, वरना मत भरो, इवन पेंसिल से भी नहीं भरना है। ओके चलो, तो हम देखेंगे इसके बाद का नेक्स्ट। नाउ श्रेया, जब श्रेया ने दूसरा कार्ड पिक किया है उसका क्वेश्चन जो है उसके लिए उसमें कुछ अलग चीज आई है, इसको बोलेंगे हम बोनस कार्ड या तो कुछ ऐसा कार्ड जिसके ऊपर नंबर नहीं लिखा पर कुछ क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, ध्यान देना, नॉट इरेशनल, नॉट इट मतलब जो इरेशनल नहीं है, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो यहां पे ऑप्शन दिया है 3 - 4√5, √5 है ये, थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं, √7 - 6, 2 + 2√9 एंड 4√11 - 6। अब हमें खाली पहले ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से इरेशनल कौन कौन सा है, अगर वो पता चल गया तो नहीं है वो इमीडिएटली मिल जाएगा। जैसे √5 अपने को मालूम है इरेशनल है, सो ए आंसर नहीं हो सकता। √7 भी इरेशनल है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। √11 भी इरेशनल है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अपना आंसर आएगा सी। कैसे? तो देखते हैं, 2 + 2√9, अभी √9 हमें मालूम है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3² = 9, सो √9 की जगह पे हम लिखेंगे 3, सो ये होगा 2 + 6 यानी कि 8, और 8 इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, इसलिए हमारा आंसर है सी, 2 + 2√9। हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन है रिया। रिया पिक अप कार्ड √15 - √10, मतलब एक कार्ड लिया जिस पे √15 - √10 लिखा था और उसने जो क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा था कि √15 - √10 इज लेस नंबर, वो कौन से टाइप का नंबर है। तो यहां पे चार ऑप्शंस उसने दिए, नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है या रेशनल नंबर है। अब नेचुरल और होल नंबर वो हमें मालूम है वो सिंपल नंबर होते हैं, ऐसे रूट वाले नंबर्स नहीं होते, तो हमारे लिस्ट में से सबसे पहले ए और सी ऑप्शन तो निकल जाएंगे। हमें सिर्फ दो ऑप्शन पे काम करना है, या तो ये रेशनल नंबर हो सकता है या इरेशनल नंबर हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हमें एक चीज सिर्फ देखनी है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है तो ही वो रेशनल नंबर है, नहीं तो इरेशनल नंबर है। जैसे कि √15 का हम अगर फैक्टर करेंगे तो होगा 3 × 5, 3 × 5 = 15, इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। वैसे ही √10 में भी होता है 2 × 5 = 10, तो इसमें भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। जब स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो वो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर पे हम कोई भी ऑपरेशंस करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो भी उसका आंसर ऑलवेज इरेशनल नंबर आता है, यानी कि ये रिजल्ट जो इसका आएगा वो भी होगा कैसा? इरेशनल नंबर। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट है। नाउ फोर्थ कार्ड इज पिक अप बाय दक्ष। जो दक्ष ने कार्ड पिक अप किया उस पे लिखा था 1/√5 एंड दिस क्वेश्चन वाज 1/√5 इज लेस नंबर, अगेन क्वेश्चन इज सिमिलर, अगेन वी कैन सी √5 अ नंबर इज इन रूट एंड √5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसा आगे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था वैसा ही यहां पे है, ये सीधा क्लियर कट आंसर है, इसका आंसर भी होगा
सी इन रेशनल नंबर, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लास्ट कार्ड इज पिकअप बाय प्रीति। प्रीति पिकअप अ कार्ड, रूट सिक्स वॉज रिटन रिटन ऑन द कार्ड एंड हर क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। फिर से हमें देखना है यहाँ पे नॉट बोला गया है, ठीक है, एंड कार्ड में कहा रूट सिक्स, तो यहाँ पे हर जगह पे कहीं ना कहीं रूट सिक्स दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इस क्वेश्चन को रूट सिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जब आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट अपना मेन क्वेश्चन था वो पूरा क्वेश्चन, जो पूरा पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ आपको दिया था, उसको नीचे के क्वेश्चन के साथ और कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ आपको ये बताना था कि हमें रेशनल नंबर के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करना है बस। सो बड़े पैराग्राफ से डरना नहीं है, फाइव क्वेश्चन से, फाइव क्वेश्चन में क्वेश्चन भी ठीक से रीड करना है और क्या ऑप्शंस दिए और क्या क्वेश्चन पूछा है वो ठीक से रीड करना है। यहाँ पे देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नॉट। तो इसमें से रेशनल नंबर अगर हम अलग कर देंगे तो नॉट वाला अपने को मिल जाएगा, रूट सिक्स रेशनल नंबर है, सो ये आंसर नहीं हो सकता। रूट ट्वेंटी फोर यानी कि सिक्स फोर जा 24 होता है, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट सिक्स ऐसे ही रहेगा, रूट सिक्स अगेन इरेशनल नंबर है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। रूट 150 यानी कि 53 जा, अब 50 और 3 दोनों में हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, अगर हम और उसको करें तो 25 सिक्स होगा जिसमें परफेक्ट स्क्वायर 25 है, तो 5 रूट सिक्स रहेगा, फिर भी रूट सिक्स ऐसा नंबर है जो इरेशनल, यानी कि हमारा ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन है आंसर डी, नन ऑफ दिस। ओके सो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ, पूरा केस स्टडी का एक क्वेश्चन है जिसपे केस स्टडी हमें क्या करना था, रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, सिर्फ इसी के बारे में ये चीज पढ़ी गई थी, इसकी केस स्टडी थी। थैंक यू, हम देखेंगे और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन टू जो कि हमारा टी बाई क्यू के फॉर्म के लिए ही है। जैसे यहाँ पे लिखा है डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हमें मालूम है रेशनल नंबर हम टी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा सकते हैं, और क्यू जो रहता है वो नॉर्मली 2s to n 5s to m के फॉर्म में अगर है तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा, अगर इसके अलावा किसी और फॉर्म में है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो यहाँ पे जो भी रेशनल नंबर के लिए p एन q का कंडीशन है वो कंडीशन हमें ध्यान रखना है, p एन q आर को प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन फॉर्म ऑफ 2s to n 5s to m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये याद रखना है, ये बेसिक्स है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग मतलब ये 2s to n 5s to m के फॉर्म में होना चाहिए, ये पहले कंफर्म करने के लिए हम वन बाय वन इसको चेक करेंगे। 125 एंड 441, सो 125 और 441 इसको हम कैसे लिखेंगे, 25 फाइजा और 441 हमें मालूम है 21 और 21 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 21 का स्क्वायर। अब 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 5 यानी कि 5 का क्यूब हो गया, इसको हम लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। सो जब ए वाला फॉर्मेट हम लिखते हैं तो यहाँ पे q जो है इसको p by q के फॉर्म में लिखेंगे, तो q 2s to n 5s to m के फॉर्म में नहीं है, q is not in form of 2s to n 5s to m, so ये option नहीं हो सकता हमारे लिए, terminating नहीं होगा। 77 by 210 हम b देखेंगे, 77 by 210 so 11 7s are and 37s are, पहले जो कॉमन है हम कॉमन को उड़ा देंगे, सो 11 by 30, अब 11 by 30 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सो 11 into 6 5 is equal to 11 2 3 5,
अब 2n5 तो है पर 3 एक्स्ट्रा है, 3 हम उड़ा नहीं सकते, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पे भी देखे तो 129.7 ये सब 2n5 है बराबर, इसमें है फॉर्मेटेड पर 7 का स्क्वायर, और 129 जब देखोगे तो उसको भी हम 1 by 1 करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल 129 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 7 4 14 7 1 29 5 नहीं उसको हम नहीं कर सकते मतलब 129 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे 7 से सो 129 में 7 नहीं आएगा 129 इज नॉट डिवाइडेड बाय 7 सो ये भी हम 7 एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मेट भी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। बचा सिर्फ ये जिसमें 15 by 1600 है, इसका हम देखेंगे आगे कैसे कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं और 16 का जब हम डिवीजन करते हैं 3 5 15 होता है और 2 4 2 raise to 4 into 100 16 यानी कि 2 raise to 4 100। अब 100 का हमें डेसिमल एक्सपांशन के लिए इजीली मिल सकता है 2 raise to 4 यानी कि अब इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 100 को लिखेंगे 10 square यानी कि 2 का square and 5 का square। तो यहाँ पे फॉर्मेट जब मिलता है तो हमें मिलता है 3 into 5 2 का 6 and 5 का square। सो Q जो है Q is in form of 2 raise to n 5 raise to m यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। हमारा आंसर है सी, आंसर इज सी। ओके वी विल चेक सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 divided by 2 cube into 5 square, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो हमें इजी करना है इसको 2 raise to n 5 raise to m के फॉर्म में, मतलब टर्मिनेटिंग तो होगा, ये कंफर्म है कि ये टर्मिनेटिंग है, पर कितने डिजिट तक और कैसे, तो हमें यहाँ पे 2 और 3 जो n है, यहाँ पे n is equal to 3 है and m is equal to 2 है, दोनों नॉन नेगेटिव है जो लिखा हुआ था वैसे ही है, पर दोनों का जब पेयर सही बनेगा क्योंकि 10 is equal to क्या होता है 2 into 5, तो हमें दोनों का इक्वल पावर चाहिए, तब जाके हम प्रॉपरली इसका एलिमिनेशन कर पाएंगे, इसको टर्मिनेट कर पाएंगे। 5 का स्क्वायर है तो एक 5 कम है यानी कि हमें ऊपर और नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई करना है। 23 फायदा होगा 115 और नीचे हो जाएगा 2 cube into 5 cube यानी कि 115 divided by 10 का क्यूब, तो आंसर आएगा 0.115। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ना हमारा क्वेश्चन थ्री है 441 divided by 2 का square 5 का 7 power and 7 का 2 power। ये जो नंबर है वो कैसा डेसिमल है वो दिखाना है। ऑप्शन से हमारे पास टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब हम समझ में आएगा 441 इसका मतलब हम जानते हैं 21 का स्क्वायर। सो 441 अपॉन 2 का स्क्वायर 5 raise to 7 एंड 7 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का 7 7 का 2। 21 यानी कि 7 3 जा सो 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का 2 5 का 7 एंड 7 का स्क्वायर, ऊपर नीचे 7 का स्क्वायर दोनों निकल गया। फाइनल में हमारा बचता है वो दिखता है 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 5 का 7। अब ये p by q के फॉर्म में है एंड q 2 raise to n एंड 5 raise to m फॉर्म में है, तो ये ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग होगा यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच वैल्यू ऑफ फॉल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पी 251 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, उसके लिए जैसा यहां पे हमें पता है कि टर्मिनेटिंग है तो 2:5:2 m के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, q इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2:5:2 m, बराबर। सो यहां पे 2:n फॉर्मेट तो है, p क्या है, p 5 तो नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमें यहां पे 5 नहीं दिया है, इसमें खाली 5 है। अब हमें देखना यह है कि अगर ये किसी में से डिवाइड नहीं होता, 251 जो नंबर दिया है, p जो दिया है हमने ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर जो दिया है, वो अगर इन किसी में से नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो ऑब्वियसली q 2:5:2 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि अगर ये 251 किसी से डिवाइड नहीं होता है तो पॉसिबल आंसर इज डी, अगर किसी से डिवाइड हो जाता है तो पॉसिबल आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 251 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 7 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 15 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि हम p का वैल्यू ये तीन में से कुछ भी रखें q 2:5:m के फॉर्मेट में नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो जो कंडीशन पूछी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि p का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं तो आंसर आएगा d, और p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 3:7:15। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 241 डिवाइड बाय 2:5:5:3 इज अ डैश डेसिमल, तो इसका ऑप्शन वही है टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड नॉन ऑफ दिस। अब यहां पे आप देख सकते हैं नंबर जो है p / q के फॉर्म में और q जो है 2:5:2 m के फॉर्म में है, जब ये 2:5:2 m के फॉर्म में है तो फैक्टराइजेशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, यहां पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। यहां पे q जो है q इज इन फॉर्म ऑफ 2:5:2 m, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो आंसर इस ऑप्शन ए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए, और ऐसे ही कुछ और वीडियो की लिंक्स और प्रैक्टिस के लिए पेपर्स पाने के लिए हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए।